जानता मैं, नीलेश को भी नहीं जानता मैं, सर कोई रिकॉर्डिंग नीलेश वगैरह, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा बा। ठीक है सर, तो कर लिए रिकॉर्डिंग तो। तो हो गया। हाँ यस सर, हाँ, नहीं है, हम लोग को दिखाई उखाई देता नहीं है। It seems as if all the students have got connected. हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया था हम, फिर हमने रे डायग्राम खत्म किया था, और रे डायग्राम्स में भी छह में से पांच खत्म किया था, छठा बाकी था। ठीक है, छठा कब यस करेंगे? आज आज। करेंगे। ठीक है, इतना इस बोर्ड को बोलेगा कोई पूछा हुआ है? कमाल है यार, इतने सारे दाग। सर ट्यूशन दाग पूछा अच्छे है। हैं, दाग अच्छे हैं ना रे। हाँ, तो मैं छड़ी लगाता हूँ, जब तेरा हाथ लाल हो जाएगा ना तब मैं बोलूंगा दाग अच्छे हैं। नहीं सर, वो वाला नहीं, वाला भी तो दाग अच्छा है ना रे, दाग तो सब दाग अच्छे हैं। रिपोर्ट कार्ड में जब फेल होते हैं ना, तो फेलियर वाला मार्क को रेड कलर से लिखा जाता है, तो रिपोर्ट कार्ड में दाग लग गया, दाग अच्छे हैं ना लाये। नहीं एक एडवर्टाइज, एक एडवर्टाइज किया देख लिया। ये कौन है यार, इतना कचड़ा करने वाला, यही है ना पीयूष? ऐसे साफ करते हैं तो मुश्किल जब भी होगा ना, यूज लिक्विड, खुद अपने हाथों में पानी रख के इडियट बोलता है पानी खत्म हो गया, कितना चालाक है देख रहे हैं लड़का। आज कैसे आना हुआ तेरा, तो कभी आता नहीं है मन किया, एक दिन चलो ऑफलाइन कर लेते हैं, क्या याद करेगा योगेश भूमि। Oh my God. देखो एक रे डायग्राम बस बचा हुआ था, रेस्पेक्ट वन, ठीक है ना। वेर अगर अपन रे डायग्राम बनाते हैं,
देन इट्स लाइक कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है, राइट? अगर ऑब्जेक्ट हमारा रह जा रहा था फोकस और पोल के बीच में, एक रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास थ्रू फोकस, और एक रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा पोल में, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल गो लाइक दिस। डू यू थिंक ये दोनों कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। नो सर। तो क्या करना होगा इसको, तुमको ऐसे बैक ट्रेस करना। तो बैक ट्रेस करने से ऐसा लगता है मानो यहाँ पे मिल रहे हैं, लगता है, सच में नहीं मिल रहे हैं। तो बैक ट्रेस करने से ऐसा लगता है मानो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो इस केस में मैं बोलूंगा व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। इससे पहले का जो पांचों डायग्राम था ना, पांचों डायग्राम में तुम नोटिस करना इमेज इन्वर्टेड था। इन्वर्टेड मतलब पांचों डायग्राम में इमेज उल्टा था, इस केस में इरेक्ट है, ठीक है? जहां पर भी डॉटेड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहां पे समझ लेना वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल और रियल इमेज में अंतर क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना? पहले के पांचों इमेज आपके रियल थे, आपको याद आ रहा होगा, पहले पांचों इमेज रियल इन्वर्टेड थे, और अभी ये वाला जो है ये वाला इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना? तो इसका इश्यूज तो है नहीं, एक रियल इन्वर्टेड एक वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन और एक चीज भी है सर, ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा या बड़ा है? बड़ा है। तो क्योंकि बड़ा है हम इसे क्या बोलेंगे, मैग्निफाइड साइज, ठीक है ना? इसके पहले पांचों के पांचों इमेज मैग्निफाइड थे? नहीं नहीं नहीं, पांचों इमेज मैग्निफाइड नहीं थे, कुछ मैग्निफाइड था कुछ नहीं था, पांचों के पांचों तो मैग्निफाइड नहीं बोल सकते, राइट? Yes, so this is the sixth image. Draw it, और उसके नीचे लिखो प्रॉपर्टी में इरेक्ट वर्चुअल मैग्निफाइड। सर इसको और एक बार भी करना है कॉपी पे? नहीं, मेरे को कॉपी पे नहीं करना हो, करवाना है तुमसे। तुम अगर कॉपी पे कर रहे हो दैट्स ग्रेट, ठीक है ना? नहीं कर रहे हो दैट्स ओके। व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट, you should be able to redraw this when I will take the exam. क्योंकि तुम सब बोले थे कि तुम्हें revision करना है, और ये मैंने अभी तुम्हारे group में दूसरे group में भेज दिया मैं, sorry। blur आ रहा है क्या? बच्चों का blur आ रहा है या screen में blur आ रहा है? वो तो उन कुछ बच्चों का है, मेरे को भी कुछ बच्चे बोल देते, ठीक है ना? इधर हर बच्चे का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, वो बच्चों का, हर बच्चे का ब्लर नहीं आ रहा है। मेरे टाइम में जो है कुछ है, अगर हम एक बच्चे का भी ठीक है मतलब हमारे साइड से ठीक है, बच्चों का इशू है। और वो लोग क्या करते हैं ना, शाम तक इंटरनेट खत्म हो जाता है उनका। हाँ रुद्र, हेलो, ओ, उस वेल्डिंग वाले उस बंदे से पूछो, उसको 3 mm में ही लगाना होगा, और क्या करेंगे फिर, कोई फायदा नहीं है फिर। डबल फोल्ड क्यों करेगा, डबल फोल्ड सिंगल फोल्ड में ही चलाते हैं, क्या हो जाएगा? तो फिर वेदव्यास जाने में क्या प्रॉब्लम है? वेदव्यास में जाके देख सकते हैं ना या नहीं देख सकते? लेकिन वेदव्यास इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर अभी तक शाम तक बंद हो गया होगा, ठीक है? तो अगर वैसा सिचुएशन, 4 mm ही क्यों चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? 3 mm क्या मोटा नहीं दिख रहा है, क्या हाथों से बेंड कर पा रहे तुम लोग? तो 3 mm को ही ले लेते हैं ना, काट के देगा वो, कितना रुपए बोल रहा है?
ठीक है, तुम लोग एक काम करो आज के लिए छोड़ दो, कल सुबह जो है कल सुबह निकलना 10 बजे डायरेक्ट वेद व्यास जाना, अगर उधर मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो वापस आने के टाइम में इससे लेते आना। हाँ कॉस्ट पूछ ले, हाँ कॉस्ट पूछ ले, उसके बाद जो है कल जो है सुन, कल डायरेक्टली हम लोग 4 mm का शीट उठाएंगे अगर मिला तो, नहीं मिला तो 3 mm का शीट उठाएंगे और लैप वाले के दुकान में ले जाके सीधा पटक देंगे कल, ठीक है ना। और हाँ लेट्स टारगेट कि कल जो है कल 12-1 बजे तक वो दोनों का दोनों कट होके मतलब रेडी होके आ जाए, लैप वाले को बोल दे कि कल भैया हम लोग 4 mm का लेके आपके पास सुबह 9 बजे पहुंच रही है, बोल के 10 बजे पहुंच रहे, मेंटली प्रिपेयर रहेगा वो भी, उसको 10 मत बोलना 11 बोलना क्योंकि खरीदने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्या बोलना है, लाख वाले को मेंटली प्रिपेयर कर दे क्योंकि कल अगर सुबह देगा ना वो बोलेगा भैया टाइम लगेगा परसों आइए ये आइए नहीं, ठीक है ना। बोलना कि कल सुबह 11 बजे आ रहे हैं हम लोग, पक्का आ रहे हैं 11 बजे, कोई टाइम पे इधर उधर नहीं होने वाला है, हम लोग पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, ठीक है ना, इतना बोल दे। और लाख वाले के लाख वाला फिर मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि तुम लोग आओगे तो फिर वो 11 बजे तुरंत काम शुरू कर देगा, नहीं तो फिर बदमाशी करेगा वो। तो सुबह यहाँ से 9-9:30 बजे निकल जाना, इंडस्ट्रियल एरिया जाना, 4 mm का मिलता है तो उधर से उठाएंगे, नहीं मिलता है तो 10:30 बजे तक यही दुकान से उठा के, जहाँ से 3 mm मिल रहा है यही दुकान से उठा के लैथ वाले के दुकान में ले जाके पटक देंगे, डिजाइन उसी समय बनवाएंगे। अगर 11 बजे अगर डिजाइन बनाना शुरू होता है तो 1 बजे तक मुझे लगता है मैक्सिमम 1 बजे तक डिजाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बजे तक डिजाइन खत्म एंड ये पहला पार्ट जो है कि मतलब उसको सील वील करने का ये टास्क हमारा अचीव हो गया कल तक, ठीक है ना, चलेगा। दो चीज करना है अभी, रेट पता करना है और दूसरा लेफ्ट वाले को बोल देना है कि कल आ रहे हैं हम लोग। मैं अपना बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक बना रहा हूँ, उसके लिए जो है उसके लिए सारा भागा दौड़ी चल रहा है, पेट्रोल का रेट बहुत हो गया ना और हम ठहरे गरीब आदमी, थोड़ा सा देखना पड़ता है। See, the PDF has been sent in your group once again. This happens to be chapter 4 and chapter 5. Chapter 4 पूरा का पूरा reflection से deal करता है और chapter 5 पूरा का पूरा refraction से deal करता है। क्या हमने अभी तक refraction शुरू किया? नहीं किया, ठीक है ना। मैंने सिर्फ क्या शुरू किया है? Reflection शुरू किया है, ठीक है। तो reflection में अभी हम लोग क्योंकि जस्ट रिविजन करा रहे हैं तो वी वर गोइंग थ्रू द मेन मेन टॉपिक्स। इफ यू ओपन द पीडीएफ, मैं तुम्हें बोलूंगा कि पीडीएफ तो तुमको खुद से रीडिंग करना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी, एक बार तुम्हें पीडीएफ को खुद से रीडिंग करना ही पड़ेगा। और इसके बाद अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं ये ना तुम्हारा पेज नंबर 15 से शुरू हो रहा है, पीडीएफ का पेज नंबर 175, मतलब बुक का पेज नंबर 175 और पीडीएफ का पेज नंबर 15, एक ही बात है, ठीक है, वहां से शुरू हो रहा है। वो सारा रे डायग्राम को एक एक करके बना के दिया है और वहां से हमने कवर अप कर दिया है इसको, पेज नंबर पीडीएफ का पेज नंबर 26-27 तक कवर कर दिया है हमने, बुक का पेज नंबर 189, ठीक है, ये कवर अप हो चुका है। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी कन्वेक्स मिरर की तरफ पहले बढ़ेंगे, उसके बाद साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। देखो जैसे कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर किसे बोलते थे हम, जहां पे सर्कल का आउटर हिस्सा को पॉलिश किया जाता था और इनर हिस्सा को रिफ्लेक्टिंग के लिए छोड़ा जाता था। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि तुम सर्कल का इनर हिस्सा को पॉलिश कर दो, ऐसे तुम सर्कल का इनर हिस्सा को पॉलिश कर दो और आउटर एरिया आउटर हिस्से को छोड़ दो रिफ्लेक्टिंग के लिए, ये क्या बिहेव कर रहा था, कनकेव
ये क्या बिहेव करेगा पता है? कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो ये कनकेव मिरर कहलाता है। इसके बारे में लास्ट क्लास बताया था हमने, आउटर पॉलिश इनर रिफ्लेक्टिंग, एंड इसमें क्या है, इनर पॉलिश आउटर रिफ्लेक्टिंग। इज इट डन बच्चों? इतना तो क्लैरिटी है तुम्हें शायद? यस सर, यस सर। तो कैसे रखते हैं हम लोग मिरर को पता है? मिरर को हम लोग ऐसे रखते हैं, कन्वेक्स मिरर को ऐसे ऐसे रखते हैं। एक बात देखिए सर, आपने क्या किया, बस आपने इसको घुमा दिया, राइट। तो इस तरीके से दिखाई देगा। अब कन्वेक्स मिरर में तुम्हारा फोकल लेंथ किधर रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसे ही रहेगा, ये बन गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। एज इट इज, पहले जैसा प्रिंसिपल एक्सिस था अब भी वैसा है, बस थोड़ा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें मोटा पेन से बना था। ठीक है ना, दिस हैपेंस टू बी प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन सर फोकस किधर बनेगा अभी पता है? ये कौन सा सर्कल का हिस्सा है? ऐसा सर्कल का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर फील होगा तुम्हें? अंदर। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हुआ करता था? कन्वेक्स मिरर में, सर्कल के मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता था, फोकस भी इधर होता था, मतलब रिफ्लेक्टिंग वाले साइड में होता था। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है तो फोकस भी उधर ही होगा, इधर कुछ नहीं होता, इधर फोकस भी नहीं होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होता। किसी को कोई तकलीफ है ये जो मैं सिखाया अभी? नो, आई अज्यूम। कोई तकलीफ छोटे? नहीं। सूर्यांश क्लास में है? सूर्यांश क्लास में है कि नहीं, देखो तो बच्चे। नहीं सर, नहीं है। ओके, नहीं है। अश्मित सिंह मोरा फिर से ग्रुप में ऐड हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर, वो अभी क्लास में है। क्लास में अश्मित, तो मेरा आवाज सुन पा रहा है? अश्मित सिंह मोरा, अश्मित यू एबल टू हियर मी? अश्मित सिंह मोरा, यस सर। बताते इसमें कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है? अंबिका क्लास में है? यस सर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है? सर कन्वेक्स में फोकस से पीछे है और कॉन्केव में आगे है। तुम यहाँ पे बैठी हो, वहां पे टीवी चल रहा है, तो कैसे पढ़ेगी? सर टीवी नहीं चल रहा है। क्या है ये सर, किसका आवाज है? सर वो बारिश हो रहा था तो पानी गिर रहा है, सर उसका आवाज है। तुम जो आंसर बताई ना वो कोर डिफरेंस नहीं बताई कनकेव कन्वेक्स मिरर का। स्वाति प्रिया गौड़ा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव कन्वेक्स मिरर? यस सर। सर इन अ कॉनकेव मिरर द आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड, एंड इन अ कन्वेक्स मिरर द इनर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड द आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। गुड, दिस हैपेंस टू बी द कोर डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द डिफरेंस? Outer polished inner reflecting is concave and inner polished outer reflecting is convex. ठीक है ना, these are the two types of mirror. इसमें हमने 6 ray diagrams बनाया था, क्यों? एक बहुत दूर infinity, एक C के पीछे, एक C में, एक बीचों बीच, एक F में और एक FP के बीच। इतना ray diagrams बनना था।
लेकिन सर इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, लाइक इसमें था ना सी के पीछे, किसके पीछे, एफ के पीछे, किसके पीछे, पी के पीछे, तो इसलिए यहाँ से। लेकिन यहाँ पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक पोल है, इधर तो और कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रे डायग्राम बनेगा वो छे तो नहीं बनेगा, कितना तो बनेगा, सिर्फ दो रे डायग्राम बनेगा, एक जब बहुत दूर में पड़ा हुआ है और एक जब पोल और बहुत दूर के बीचों बीच, मतलब कहीं पर भी पड़ा हुआ है। These are the two ray diagrams we'll be making. तो concave mirror का 6 ray diagram और convex mirror का 2 ray diagram, total 8 ray diagrams तुम्हें याद करने हैं। मतलब कि सर एक infinity में और एक infinity और pole के बीच में। बस, good. अभी तो पकड़ा। ऐसे ऐसे बोलता है कोई बच्चा क्लास में तो अच्छा लगता है। ठीक है। तुम लोग भी बोला करो। बोलने का मतलब है कि तुम लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो। नहीं बोलोगे तो कैसे समझूंगा कि तुम सीख रहे हो या समझ रहे हो? ना। आश्मित आया है क्लास में, सॉरी आश्मित बोल रहा हूँ, मृत्युंजय आया है क्लास। मृत्युंजय का मतलब समझता है? ठीक है ना, ये बोल रहा है जो मृत्यु का जय करता है, इडियट, जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। ठीक है ना, इस दुनिया में जितने इंसान जन्म लिए हैं ना, सब अपने जन्म के साथ अपने मृत्यु को लेके आए हैं। ठीक है ना, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु जो इस धरती पर जन्म लेता है उसका जन्म के साथ दूसरा चीज फिक्स हो जाता है, जो है मृत्यु। मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला मृत्युंजय कहलाता है। ठीक है ना, उससे पहले हमें पढ़ाई पे विजय प्राप्त करना है। कुछ चिरंजीवी के नाम बता सकते हो? चिरंजीवी बोलने का मतलब जिन्होंने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया, इनफैक्ट जिनका मृत्यु जो है अभी तक नहीं आया है। अश्वत्थामा happens to be the one जो अभी तक इसी realm में है, इसी planet में। ठीक है ना? कौन सा कोने में? कौन से कोने में? बस हमारे inside के पीछे बगल में। आता आना आना मिलाता हूँ तेरे को, आजा। ठीक है ना? हनुमान बस चाहते हैं बोलिए। The one जो मृत्यु सर उनको श्राप मिला था ना? किनको श्राप मिला था? अश्वत्थामा को, कृष्ण से। कृष्ण से, ठीक है। माता जी का कहना है कि अश्वत्थामा को अभिशाप मिला था कृष्ण से। ठीक है, जो भी है चिरंजीवी तो है। ठीक है, दूसरे प्राणी जो है वो है हनुमान जी। ठीक है ना, हनुमान जी भी मृत्यु पे विजय पाए। उनको क्या अभिशाप मिला है? नहीं, उनको तो वरदान मिला। ठीक है ना, ये हनुमान जी सतयुग से हैं। ठीक है ना, जब राम जी आए थे उसके बाद द्वापर में भी थे। जब महाभारत हो रहा था तो तुम्हें पता है या नहीं, महाभारत में हनुमान जी भी लड़ाई कर रहे थे। यस यस सर। सर मजाक कर रहे थे? हनुमान जी का मन, महाभारत में हनुमान जी थे। कहाँ पे थे? कुरुक्षेत्र में। कहीं दिखाई तो नहीं दिए मेरे को? सर कहीं तो हो गए। यस सर, जंगल। सुनो, महाभारत में हनुमान जी थे और हनुमान जी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। क्या मालूम है कहाँ पे थे? मालूम है, वो थे अर्जुन के रथ के ऊपर। ठीक है ना, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। और हनुमान जी का काम क्या था मालूम है? हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, जो भी युद्ध युद्ध करने वक्त जो भी शस्त्र अर्जुन की तरफ आएगा तुम क्या करना, तुम उसे फूंक के डाइवर्ट कर देना। ठीक है ना, उसका रास्ता बदल देना। ये था, ये कहा गया था। ठीक है, जब अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा था, अर्जुन और कर्ण में, तो अर्जुन जब ऐसे करके मार रहा था, कस के मार रहा था कर्ण को, कर्ण जब उसको डिफेंड कर रहा था ना, उसका रथ में अगर लग रहा था, अर्जुन का तीर जब कर्ण के रथ को लग रहा था ना, तो कर्ण का रथ 8 फीट पीछे चला जा रहा था, 8 फीट। और अगर गलती से कर्ण मार रहा था, तीर चला रहा था अर्जुन के रथ में, और अर्जुन का रथ को अगर वो तीर लग रहा था, तो अर्जुन का रथ सिर्फ 2 फीट पीछे चला था। ठीक है ना, फिर भी भगवान कृष्ण जो है ना कर्ण को बोल रहे थे, वाह कर्ण वाह। ठीक है ना, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि कर्ण ज्यादा पावरफुल है। कमाल है, कर्ण मारने से सिर्फ 2 फीट पीछे जाता है, अर्जुन मारने से 8 फीट पीछे जाता है, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? अर्जुन। सर अर्जुन फिजिक्स के हिसाब से, अर्जुन फिजिक्स के हिसाब से अर्जुन। ठीक है ना, तो अर्जुन भी फिजिक्स के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे भगवान कृष्ण से कि भगवान मैं मार रहा हूँ 8 फीट जा रहा है, वो मार रहा है सिर्फ 2 फीट जा रहा है, फिर भी
आप जो है आप उसको वाह वाह कर रहे हैं और मुझे नहीं। तब कृष्ण भगवान रिप्लाई करते हैं, तुम्हारे रथ में मैं बैठा हूं, तुम्हारे रथ में हनुमान बैठा है। इतना मास होने के बाद भी ही इज एबल टू क्रिएट मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला तो कौन हो सर? mv is equal to mv velocity नहीं रे, मास इनटू वेलोसिटी। 2 mm बहुत पतला है, टूटेगा टाटेगा नहीं ना? नहीं टूटेगा, छोड़ना। 2 mm का कितना रुपए बोल रहा है? नहीं, और एक चीज है, 2 mm में ये नहीं फंसेगा तेरा रबर नहीं फंसेगा। हाँ ठीक है, वीडियो कॉल कर, 2 mm का रेट पता करना फिर भी। जस्ट मिनट स्टूडेंट, नहीं इडियट, नहीं 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 नहीं, ओ हाँ स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, थोड़ा सामने लेके चल, फ्लैश लाइट ऑन कर। फ्लैश लाइट नहीं, ऑन नहीं हो सकता सर। Not bad. I am not finding that bad. What is the cost? Approximate cost? 1 feet by 1 feet का? 1 feet के अंदर नहीं। कितना मिलेगा? कितना बड़ा? कितना मिलेगा? पगला गया है क्या? कितना उसका? पूरा हिसाब। सुन रुद्र, रुद्र। तू परचेज मत कर, तू उसको रेट पता कर ले और बोलना कि अगर हमें 4 mm का नहीं मिलता है तो हम ये आके ले जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन रेट पता कर ले, ठीक है? चलो सर, एक क्वेश्चन है। बोल सर, द्वारकाधीश सर सच में है सर? द्वारकाधीश? द्वारकाधीश तो कृष्ण भगवान को बोलते। अरे नहीं सर, मतलब द्वारका नगरी सर वो पहले सच में था। सच में था मतलब झूठ है क्या? सर मतलब कि अभी जो मतलब कि मिथ्स है कि वो एक अंडरवाटर सिटी है। दैट इज नॉट मिथ, दैट इज फैक्ट। ये जो हमारा साइंस है ना बेशरम, ये उसको मिथ बनाता है। कौन बोलता है मिथ? ला तो 2 दुकान के नीचे दूंगा, सीधा हो जाएगा इडियट। मिथ, कोई मिथ नहीं है। कैसे पता चला कि वो फैक्ट है? तो कैसे पता चला कि 2 + 2 = 4 होता है? सर मस्त रिप्लाई। कैसे पता चला? पूछ रहा हूँ सर, मैं जो है सर सिखाया गया था। किसने सिखाया? टीचर्स। व्हाट इज द प्रूफ कि तुम्हारे टीचर ने सही सिखाया? गारंटी नहीं है इसीलिए तो ना सर, गारंटी नहीं। किसी मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया होगा सर? 5-5 बुक्स अपने टीचर के ऊपर फेत रखा कि ये जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, फिर तुमने उसको सीखा। कब सीखा? बचपन में सीखा था, जब तुमको मालूम भी नहीं था कि 2 + 2 का अर्थ क्या है। लाइक 2 + 2 = 4 तुमने रट लिया होगा, बट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, जैसे ए फॉर एप्पल बचपन में सीखा, उस नालायक को पता क्या है कि ए फॉर एप्पल सीख के उसका क्या होगा जीवन में? आज समझ में आ रहा है ना कि वो अल्फाबेट इज इम्पोर्टेंट? तुमने पहले सीखा। यस सर। ठीक है ना, 2 + 2 = 4 सीखा, लाइफ में तुमने अप्लाई किया और तुम्हें लगा अरे यार 2 + 2 = 4 होता है, अरे सर ने सिखाया था, मैंने अप्लाई किया, फिट हुआ। इसका मतलब सर जो सिखाते हैं वो सही है, ठीक है ना? उसके बाद तुम्हारा सर के ऊपर जो फेथ था वो बिलीफ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना? कि इसका मतलब सर ने जो भी सिखाया होगा वो सब सही होगा। सर का 3-4 चीज जो आगे चल के तुमने रीइटरेट किया, तुमने फिर से देखा, लाइफ में अप्लाई किया, सीखा, समझा, इसका मतलब सर ने जो सिखाया होगा सब सही होगा। तो तुमने पहले फेथ रखा, फिर फेथ बिलीफ में कन्वर्ट हुआ, राइट? यस सर। यस सर। तो फिर जिस तरीके से वहां पर तुमने फेथ को बिलीफ में कन्वर्ट किया है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी एक रेल्म है जिसके बारे में तुम्हें किसी ने पढ़ाया नहीं। यस सर। तो फेथ नाम का चीज आएगा कहां से? अभी वो बच्चा, जो बच्चा बचपन से लेके आज तक होटल में प्लेट साफ कर रहा है, उसको जाके पूछ 2 + 2, वो बता नहीं पाएगा। तो उसको बोलना कि 2 + 2 = 4 होता है, वो तुमसे भी यही सवाल पूछेगा, आपको कैसे पता चला? पूछेगा क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पास अज्ञान है। लेकिन तुम हंसोगे ना ये सवाल सोच के, पूछ जब देखोगे कि वो बच्चा तुमसे ये सवाल पूछ रहा है, तुम हंसोगे।
क्यों हंसोगे? क्योंकि यू नो कि 2+2=4 होता है, यू गारंटी फॉर यू, यू कैन गारंटी फॉर इट, बट जो गवार है उसके लिए क्या है? उसके लिए शायद 2+2=4 होता होगा, ठीक है ना? सिंपल। मैंने भी स्पिरिचुअलिटी को इतना स्टडी किया है कि मेरा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फेथ जो है वो बिलीफ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? जहां तक तुम्हारा साइंस का बात आता है, तुम्हारा साइंस पहले बोला था कि गोबर जो है वो बेकार है, बेकार, ठीक है ना? जैसे इंसान का टट्टी होता है, गोबर भी वैसे ही एक बेकार चीज होता है। आज तुम्हारा साइंस मानता है कि गोबर बाकी जैसा नहीं होता, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। टुडे योर साइंस बिलीव, अर्लियर इट वाज नॉट, अर्लियर द साइंस वाज नॉट बिलीविंग दैट, नाउ द साइंस इज बिलीविंग इट, ठीक है ना? साइंस पहले तुलसी का पेड़ को एक बेकार पेड़, एक सामान्य पेड़ मानता था, बट नाउ साइंस एग्रीज एंड एक्सेप्ट कि तुलसी का पेड़ अगर घर के बाहर रहता है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जो हवा घर के अंदर जाता है वो तुलसी का पत्ता को टच करके जाता है और उसका एरोमा को कैरी करके लेके जाता है, दैट वाज द साइंटिफिक रीजन। एंड अगेन यू नो कि तुलसी पत्ता जो है उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है ना? तुम्हारा साइंस कभी भी योगा को नहीं मानता था, शरीर का हाथ को ऐसे और ऐसे कर देगा तो तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम नहीं होगा, ठीक है ना? योगा वॉज नॉट बिलीव बाय साइंस अर्लियर, नाउ साइंस बिलीव अपॉन योगा। साइंस ने पहले कहा था कि स्पेस एक्सपैंड नहीं हो रहा है, स्पेस कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना? फिर साइंस बोला नहीं नहीं स्पेस हर पल एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है ना? तो जब एक्सपैंड होता है स्पेस, तो एक हबल नाम का प्राणी था जो उसके एक्सपेंशन के नाम के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो एक हबल कॉन्स्टेंट आता है, जैसे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ठीक है ना? वैसे ही एक हबल कॉन्स्टेंट आता है जो हाइएस्ट स्टडीज में पढ़ाई करते हैं, वो हबल कॉन्स्टेंट का वैल्यू को तीन बार बदल, जी एक कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू 9.8 है, तुम जानते हो एमजी लगाया वो फॉर्मूला? यस सर, यस यस सर। कल को तुम्हें मालूम चलेगा कि जी का वैल्यू 12.5 है, तो अजीब नहीं लगेगा तुम? सर धोखा है। आज तक हमारा साइंस क्या कर रहा था, गधा था क्या वो? ऐसे ही चल रहा है, ठीक है? पहले जो है, पहले हबल कॉन्स्टेंट का एक वैल्यू था, उस वैल्यू को चेंज किया गया, उस वैल्यू को और एक बार चेंज किया गया, अभी तक हबल कॉन्स्टेंट को तीन बार चेंज कर चुका है। क्लास 8 में हो तुम लोग सबसे पहले निगम सर तुमको पढ़ाएंगे कि सबसे इंडेस्ट्रक्टिबल पीस जो होता है उसको बोलते हैं एटम। साइंस ने पहले आविष्कार किया था एटम का, ठीक है ना? और उन्होंने बोला था कि एटम से छोटा कोई नहीं होता। कौन था वो नालायक? सर डाल्टन। डाल्टन, डाल्टन या कोई। उसके बाद थ्योरी क्या आया था, उसमें चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना? वो दूसरे साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया, उसने प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे.जे. थॉमसन। यस सर, यस सर, वो पढ़ाया है सर ने ना? तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज ठूसा हुआ रहता है। फिर वो भी गलत हो गया, फिर नया थ्योरी आया मॉडल के बाद, रदरफोर्ड का थ्योरी आया। रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड बोला कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म रहता है और नेगेटिव चार्ज बाहर रहता है। ये तो नया थ्योरी है, तुमको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, रदरफोर्ड का थ्योरी भी गलत है। उसके बाद नील बोर का थ्योरी आया। यस सर, बोर ने सर, तुम्हारा साइन, ये है तुम्हारा साइन। साइन जिस चीज को तुम्हारे सामने आज रखा है वो चीज शायद कद बदल जाए। साइंस जिस चीज को आज तुम्हारे सामने रखा है वो शायद कल बदल जाए, पक्का, ठीक है ना? लेकिन स्पिरिचुअलिटी जिस चीज को उस दिन लोगों के सामने रखा था वो आज तक नहीं बदला है। सो किसके ऊपर फेथ करना है और किसके ऊपर बिलीव करना है, ये तुम्हारा चॉइस, ठीक है ना? ये तुम्हारा चॉइस है। तो मैं क्यों गारंटी से बोल सकता हूँ कि द्वारका एग्जिस्ट करता था? बिकॉज यस, आई हैव लर्न्ड दोस थिंग्स इन वैदिक स्क्रिप्चर। जस्ट लाइक यू पुट फेथ इन साइंस एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट इन साइंटिफिक थिंग्स, सिमिलर फैशन आई पुट फेथ इन स्पिरिचुअलिटी एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट इन स्पिरिचुअल थिंग्स। साइंस डील करता है 5 एलिमेंट से। कौन सा 5 एलिमेंट मालूम है? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई। ये 5 एलिमेंट। स्पिरिचुअलिटी डील करता है 8 एलिमेंट से, जिसमें ये 5 है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब जो देख सकते हैं, समझ आता है। और 3 सटल एलिमेंट भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाता है, वो है माइंड, इंटेलिजेंस,
फॉल्स ईगो, ठीक है ना। तो साइंस जो है, साइंस एक छोटा हिस्सा को स्टडी करता है, स्पिरिचुअलिटी एक पूरा रेलम को स्टडी करता है, ठीक है ना, माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ठीक है ना। साइंस तुम्हें कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि तुम्हारे एल्डर्स का, सीनियर्स का पैर छूने से क्या होगा, ठीक है ना, वो स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कर सकता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कैन गो बियॉन्ड द थिंग्स विच वी कैन परसीव, ठीक है ना। साइंस एक बार के लिए तरंगों को नहीं मानता था, वेव्स को। आज हमारा सारा मोबाइल कम्युनिकेशन तो वेव्स में हो रहा है ना, सब तरंगे में हो रही है ना, ठीक है। एक समय था जब साइंस नहीं बोल सकता था कि वेव्स कम्युनिकेशन पॉसिबल है हवा में, वायरलेस कम्युनिकेशन। नाउ वायरलेस कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली कॉमन। मेरे घर, मेरे कोचिंग सेंटर से तेरे घर तक जो ये डाटा जा रहा है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन पर ऑडियो इसमें बोल रहा हूँ, तार लगा हुआ है क्या, ठीक है ना। तो समथिंग इज देयर विच इज नॉट विजिबल, कुछ ऐसे चीज है जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी तुम उसको बिलीव करते हो, वो क्या है, अनसीन वेव सर, घोस्ट नहीं, घोस्ट नहीं, यहाँ पे है ना, साइंटिफिकली द वेव्स आर नॉट विजिबल स्टिल यू बिलीव अपॉन इट, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी के पास सारा वो चीज पड़ा हुआ है विच इज नॉट विजिबल, बट स्पिरिचुअलिटी ने उन सबके ऊपर काम कर रहा है, साइंस उन सबके ऊपर धीरे धीरे काम कर रहा है। आगे चल के तुम्हारा साइंस क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, बट स्पिरिचुअलिटी ना बदला था ना बदला है ना आगे बदलेगा, ठीक है। सर आप जो बोल रहे थे कि, सर आप जो बोल रहे थे कि जो अर्जुन के साथ विष्णु और हनुमान सर और कौन हेल्प कर रहे थे, और कौन हेल्प कर रहे थे, कृष्णा भाई तुमको ऑप्टिक्स पढ़ना है या हेल्प कौन कर रहे थे वो पढ़ना है। यस सर, हनुमान जी के सतयुग से थे, हनुमान जी उस समय से थे जब राम जी इस धरती पे अवतार लिए थे, राम जी सतयुग में नहीं लिए थे, त्रेता युग में लिए थे, सर त्रेता युग में ना, त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ था। तो त्रेता युग में राम जी आए थे, राम जी जब आए थे तो शिव जी भी आना चाहते थे साथ में मजे करने, ठीक है ना। तो साथ में मजे करने के लिए जब आना चाहते थे तो उस समय जो है शिव जी जिस रूप में अवतार लिए थे वही था हनुमान अवतार, चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं। मैं तुमको कुछ चीज सिखाया है यहाँ पे, क्या सिखाया, जैसे तुमको कंकेव मिरर में रे डायग्राम बनाने से पहले मैं कुछ नियम सिखाया था, याद है, अगर कोई रे पैरेलल जाएगा फोकस से पार होगा, अगर कोई रे फोकस से पार होगा पैरेलल जाएगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा एज इट इज डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और एक सिखाया था अगर कोई रे पोल में टकराएगा तो उतना ही एंगल। ये जैसे चार नियम सिखाया था, अभी भी यहाँ पे चार तो नहीं आएगा, यहाँ पे तीन नियम आएगा। पहला नियम सिखाता हूँ, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा ना वो फोकस से नहीं जाएगा, वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, बट इट अपीयर्स, देखो क्या लिखूंगा मैं, डॉटेड लाइन लिख रहा हूँ, इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग थ्रू फोकस, ठीक है ना। पहले जो लाइन था दैट वॉज एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस पहले, बट यहाँ पे जो लाइन है इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, जब ऐसे जा रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फोकस से पार हो, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है ना। ये पहला रे डायग्राम, पहला लॉ किसको लेके, कन्वेक्स मिरर को लेके। दूसरा लॉ कैसा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो तुम्हारा पोल को टकराया तो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये तो पहले भी था, यस सर, ठीक है ना। वही लॉ यहाँ पर भी लागू होता है, कोई भी रे जो है वो अगर पोल को टकराया तो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बस ये दो लॉ काफी है हमारे लिए। तीसरा भी है, तीसरा क्या है, अगर कोई रे इस तरीके से जा रहा है इट अपीयर्स एज इफ इट विल स्ट्राइक द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे इस तरीके से जा रहा है कि तुमको लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करेगा तो वो रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तीन नियम में एक ही डायग्राम में बना दिया, ठीक है ना। ये तीन नियम है, कौन कौन सा नियम है, रे पैरेलल पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है ना, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, a ray that strikes the pole reflects in such a way
that the angle of incidence and angle of reflection is same. वो तो anyway हमेशा होता है, ठीक है ना. And third वाला नियम है कि अगर एक ray of light ऐसे जा रहा है, it appears as if it will strike the center of curvature, then after reflection it will retrace its path. वो उसी path में वापस आ जाए. ये तीन नियम है, ठीक है ना. इन तीन नियमों को यूज करके हमें कितना रे डायग्राम बनाना है दिशा? तो अध्यक्षा कितना रे डायग्राम बनाना है? अध्यक्षा सतपति अध्यक्षा यस सर कभी कहाँ थी तब से? तो सर यहीं पर थी सर. सर नेट अप डाउन हो रहा है. अच्छा झूठ बोलती है? नहीं सर. ठीक है क्या पूछा मैं? कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ पूल रहा, बोल रहा था ना. सर क्या बोले? ये बोला कि कितना रे डायग्राम्स बनाना है मुझे. बता सर कौन? इसका मतलब तो कुछ भी नहीं सुनी है. सर सुन रही थी आप. नहीं, तीन नहीं. नियम बताए फिर से अप डाउन होने लगा. अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि कन्वेक्स मिरर का कितना रे डायग्राम बनाना है मुझे. सर दो. पहला वाला रे डायग्राम कब बनेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफिनिटी में रहता है ना तो उससे रेज ऑफ लाइट कैसे आता है? पैरेलल आता है. यस सर. ठीक है ना. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन टू द रेज ऑफ लाइट? इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग थ्रू फोकस. ठीक है. सो अगर तुमको मैं बोल रहा हूँ इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग थ्रू फोकस तो इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस ओनली. यस सर. ठीक है. तो पहला वाला केस में मैं क्या बोलूंगा? पहले वाले केस में बोलूंगा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस. ठीक है. यस सर. और एक रे डायग्राम बनाना है. ठीक है ना. इन द सेकंड रे डायग्राम यू सी द ऑब्जेक्ट इज केप्ट नियर टू द पोल. पोल के सामने रखे हैं. एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपीयर्स एज इफ कमिंग थ्रू फोकस. ठीक है ना. दूसरा रे ऑफ लाइट पोल को हिट करेगा और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपीयर्स एज इफ गोइंग लाइक दिस. इमेज यहाँ पे बनेगा. इमेज को देखने से तुम क्या बोल सकते हो? वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बड़ा है या छोटा है? छोटा को हम लोग डिमिनिश्ड बोलते हैं, राइट. बड़ा को हम लोग मैग्निफाइड बोलते हैं, छोटा को डिमिनिश्ड. ठीक है ना. सीधा है या उल्टा है? सीधा है. सीधा है. उसको इरेक्ट बोलते हैं. ठीक है. और रियल या वर्चुअल कैसे डिसाइड करते हैं? सो इमेजिनरी और वर्चुअल होगा. जब डॉटेड लाइन टकराएंगे तो वर्चुअल वर्चुअल बनेंगे. जब सॉलिड लाइन टकराएंगे तो रियल. इसमें भी फिर क्या होगा? दिखाई तो नहीं दे रहा है सर, लेकिन हमें गेस करना होगा. हाईली डिमिनिश पूरा छोटा. इरेक्ट ही होगा और वर्चुअल ही होगा. ठीक है ना. तो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज जो तुम्हें दोनों में देखने को मिलेंगे. डन. ये दो रे डायग्राम टोटल मैंने तेरे को कितना रे डायग्राम पकड़ा दिया? फिर आठ रे डायग्राम पकड़ा दिया. बच्चों जब भी तुम्हारा ऑप्टिक्स का रीटेस्ट होगा गारंटी रे डायग्राम तो आएगा ही आएगा. ठीक है. जब तक तुम इसे प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, जब तक तुम इसे प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो तब तक आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है. ठीक है. मैं कुछ बच्चों को फिजिक्स की क्लास में पड़ेगा ना. हाँ याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा. यस सर. मैं कुछ बच्चों को लाइट चैप्टर का टेस्ट के बाद क्लास से निकाल दूंगा जो बच्चे खराब करेंगे. ठीक है.
जो बच्चे बहुत ज्यादा खराब करते हैं उनके लिए तो मुझे पता नहीं, जो बच्चे थोड़ा बहुत खराब करेंगे उनके लिए मैंने एक नया टीचर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है अमित सर, ठीक है। ये टीचर तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे अपार्ट फ्रॉम रेगुलर क्लास, यू नीड टू सिट इन एक्स्ट्रा क्लास ऑन ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे। सर मेरा अलग ट्यूशन है, देन इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट कम डोंट सिट डोंट। हम लोग को जितना पढ़ाना है हम पढ़ा रहे हैं, बट तुम्हारे मार्क्स को तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरी गलती नहीं है। कुछ पांच छह बच्चे तो मुझे लग रहा है कि निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे ये, और मैं जो हूँ मैं सर को क्लियरली बोल दूंगा इन बच्चों को मेरे फिजिक्स क्लास में मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक ये लोग बच्चे लाइट नहीं सीख रहे, ठीक है। एंड आई विल नॉट अलाउ यू इन माई क्लास, यू नीड टू डू द क्लास ऑफ अमित, ये तुम्हें मैथ्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाने वाले, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे का, और तुमको उस समय आना है यहाँ पे फिजिकली आके क्लासेस करना है। जो जो बच्चे मैथ में और फिजिक्स में खराब कर रहे हैं, मैथ में एक बार रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट में भी बच्चे खराब किए हैं, उसका मार्क आया क्या उसमें? yes, भी बच्चे खराब, कितने बच्चे खराब किए? थर्टी से ऊपर, कितना का मार्क, फुल मार्क कितना था? 36। क्वेश्चन पेपर तो वही था जो पिछले बार था, उसी को दोबारा दिया गया। Yes, sir. Yes, sir. उसके बावजूद भी 36 में 30 के ऊपर एक, कंडीशन बुरा नहीं है, कंडीशन बहुत बुरा है, बहुत बहुत बुरा। कितने बच्चे रिटेस्ट दिए थे आप लोग यार, 36 में से 30 नहीं ले पाए। और सर ने बताया था कि नहीं वही क्वेश्चन पेपर आया, बोला था? बताया था सर। भाई और कुछ नहीं बचा तुम्हारे जीवन का, कुछ नहीं, कुछ बचा है? कितना लाया रीटेस्ट में? 20। कितने बच्चों को, कितने बच्चे आसपास दिए होंगे रीटेस्ट? 13 बच्चे दिए, 15 बच्चे दिए, 15-13 बच्चे, एक बच्चा बोल रहा 13, एक बच्चा बोल रहा 15, वट एवर दैट मे बी, मतलब 10 बच्चे तो गॉन केस है। वही पेपर फिर से, वही पेपर का फिर से ये मंडे को रीटेस्ट है। सो उसी पेपर का वो, हाँ उसी पेपर का, इस बार 30 से ऊपर लाना है। हाँ जी वही से, इस बार 30 से ऊपर लाओ, दैट इज अ रीटेस्ट ऑफ सेम पेपर अगेन एंड अगेन ब्रदर एंड सिस्टर। इस बार 30 के ऊपर लाएगा, हाँ मर्डर कर दूंगा मैं। डन? यस सर। क्या करोगे तुम लोग यार मैथ्स में? मेरे को क्लास 10 तक कभी ऐसा सिचुएशन मैंने क्रिएट नहीं होने दिया, फ्रॉम क्लास 6 आई थिंक जब से मैंने होस्ट संभाला है, 80 मार्क का पेपर में कभी मेरा 78 के नीचे नहीं आया मैथ, नेवर एवर। कभी भी, हाँ मेरे को कभी भी जो है ऐसा नॉन पेपर नहीं मिलता था तुम्हें जैसे मिल रहा है, ठीक है। एवरी टाइम द पेपर वॉज अननोन, फिजिक्स एंड एवरीथिंग, फिजिक्स का पेपर नहीं होता था, साइंस का पेपर होता था, साइंस में बेशरम बायोलॉजी घुस जाता था, बायोलॉजी का तो मैं मर्डर कर दूंगा जब अगर मिलेगा मेरे को, मेरे को बायोलॉजी जमता नहीं था, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आई नेवर सिक्योर्ड लेस देन 78, दो मार्क्स से ज्यादा मेरा कभी नहीं कटा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यूनिट टेस्ट जहां भी, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट पेपर मिलने से पहले मैं कमिट कर देता था कि मेरा फुल मार्क आएगा, वो टीचर जबरदस्ती मेरे एक मार्क काटता था, ठीक है ना, जबरदस्ती एक मार्क काटता था बिकॉज वो फुल देना नहीं चाहता था, समहाउ और अदर ही विल कट, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई वाज ब्रिंगिंग फुल। कभी कटा है तो दो मार्क कटा, दो मार्क से कम कभी नहीं कटा, दो मार्क से ज्यादा कभी नहीं कटा, ठीक है ना, इन अननोन पेपर। सो फुल क्यों नहीं देना चाहता था? जबरदस्त। और एक तुम लोग होगा, तुम लोग दो बार रिटेस्ट होने के बाद तुम लोग 36 में 30 क्रॉस नहीं कर रहे,
When I was in class 10, I completed R.D. Sharma 3 times. ये बुक को क्योंकि मेरे जीवन में और करने के लिए कुछ था ही नहीं, उसी चीज को दोबारा घिस रहे थे। मैं उस लेवल पे पहुंच गया था कि तुम आर डी शर्मा का क्वेश्चन बताओ, मेरे मुंह में आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, आई सिक्योर 99 इन मैथमेटिक्स इन बोर्ड एंड आई क्राइड। हाँ, आई क्राइड बिकॉज आई टारगेटेड दैट आई विल ब्रिंग 3 डिजिट इन बोर्ड इन मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में पूरा टारगेट रखा था कि मैं 100 में 100 लाऊंगा मैथ्स। ठीक है, और एक सिली मिस्टेक करके आया था, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था वो, 2009 का पेपर है, 2009 का मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम सेट ए, तीन सेट आता है, सेट ए बी सी, सेट ए गिरा था मेरा, लीनियर इक्वेशन में एक सिली मिस्टेक करके आया था जिसकी वजह से एक मार्क कट गया मेरा। ठीक है ना, अदरवाइज आई सिक्योर 99 इन मैथमेटिक्स। मेरा थ्री डिजिट पेपर में जो है बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा पेपर था जिसमें 3 डिजिट मार्क्स लाता था। दैट वाज सैड, एक्चुअली दैट वाज सैड, बहुत खराब हुआ मेरे साथ। 99 लाने के बाद कोई रोता है? मैं रोया था। मेरे को लोग देखते तो गाली करते हैं, बेशरम भीख मंगा है क्या तू? वो एक कहावत होता है ना, एक के हाथ में सोने का कटोरा रख दो फिर भी ये भीख मांगेंगे, बस वही। ठीक है ना, आई क्राइड, एक्चुअली आई क्राइड बिकॉज द लेवल ऑफ एफर्ट दैट आई पुट वाज इमेंस। और मैं कभी भी मैथ एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं करता था, कभी नहीं। ठीक है ना, अगर मेरा मैथ एग्जाम है उससे पहले दिन मैं फील्ड में तुमको मैं मिलूंगा, फील्ड में मैं क्रिकेट खेलता हुआ रहूंगा, टेंशन नहीं, मैथ है। ठीक है ना, बिकॉज दैट वाज द ग्रिप आई वाज हैविंग इन मैथ। हां, बाकी सब्जेक्ट में तो टेंशन रहता था, सबसे ज्यादा टेंशन रहता था उड़िया में, उड़िया में और आ लिखने नहीं आता था मेरे को, मैं उड़िया में फेल होता था टाइप। सर हम लोग का 2 साल हो गए, उड़िया थर्ड लैंग्वेज का कुछ हुआ ही नहीं है। टेंशन नहीं सर, आप हिंदी नहीं लिए थे? हिंदी लिया था हिंदी, लेकिन टेंशन नहीं था ना, हिंदी में तो भांजना रहता है। बचपन से लिखना आता था मेरे को हिंदी। सर 10th में सर थर्ड लैंग्वेज होता है? सेकंड लैंग्वेज था हिंदी, हिंदी बहुत खराब गया था मेरा, हिंदी में 75 आया आउट ऑफ 100। ठीक है ना, एंड इंग्लिश में 85 आया आउट ऑफ 100। सर फिजिक्स? फिजिक्स नहीं होता है चाची, हम लोग का साइंस होता है। साइंस होता है साइंस में, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज 87 88 इट वाज, सोशल साइंस 93 एंड मैथमेटिक्स 99। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उसके ठीक बाद मंडे को। मैंने तुम्हें रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया है, ठीक है, रे डायग्राम्स बता दिया, रे डायग्राम्स को बनाने का लॉज बता दिया, इतना डन है। अभी मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के बाद इस चैप्टर का बड़ा प्लेयर आएगा जो है फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हारा तुम नोटिस करना, तुम ऑब्जेक्ट को आइदर लेफ्ट में रखते हो या राइट में रखते हो, साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहेगा, मिरर को हमेशा इधर ही रिफ्लेक्टिंग करके रखना है। ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी केप्ट, on the left of the mirror. ठीक है ना, ये है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाई यू। ठीक है ना, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा? यू से। और इमेज डिस्टेंस, कहीं पर भी इमेज बनेगा ना, तो इमेज का डिस्टेंस हमेशा रिप्रेजेंट होगा वी से। ये दोनों वेलोसिटीज नहीं, ये दोनों डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस हमेशा रिप्रेजेंट होगा वी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा रिप्रेजेंट होगा यू से। ठीक है ना, सो ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ये पहला है। दूसरा, लेफ्ट साइड में जो जो डिस्टेंस मेजर करोगे ना, ये याद रखना, एग्जाम्पल देने से तुम समझ पाओगे, लेफ्ट साइड में जो जो डिस्टेंस मेजर करोगे दैट विल ऑल बी नेगेटिव, राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, किसका लेफ्ट किसका राइट, मिरर का लेफ्ट मिरर का राइट, राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे दैट विल ऑल बी पॉजिटिव।
The distance measured on the left side is negative and the distance measured on the right side is positive. Kiska? Mirror ka. Ye mirror ka pole. Pole se idhar agar measurement hai, to negative measurement hai, udhar hai to positive hai. Positive. And third, height measure karte ho na, to principal axis ke upar kuch, dekh, image kaise banta hai? Image either ulta banta hai, kabhi, kabhi sidha banta hai. ठीक है ना, तो इमेज का हाइट मेजर करोगे तो हाइट अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर है, पीए पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर हाइट मेजर कर रहे हो वो हाइट को तुम पॉजिटिव लोगे, अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मेजर कर रहे हो हाइट को, वो हाइट को तुम नेगेटिव लोगे. नेगेटिव. दिस द हाइट पॉइंट, दिस इज द साइन कन्वेंशन. Done? Yes, ये साइन कन्वेंशन जो है इसका यूज करेंगे हम लोग अभी फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने. ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनाएंगे सर हम? इसमें भी न्यूमेरिकल थे क्या? मेरे को तो लग रहा था खाली थ्योरी थ्योरी होके पार हो जाएगा. ठीक है ना, नो, इन दिस चैप्टर ऑल्सो न्यूमेरिकल्स आर देयर. तो कैसा न्यूमेरिकल्स रहेगा सर? देखो, तुमको ना मिरर का फोकल लेंथ दे देगा और तुमको बोल देगा कि अगर मैं इस मिरर में 3 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज कहां बनेगा? तुम बता सकता है? अगर ठीक है, ठीक है, हम इस मिरर में 30 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट रखते, अच्छा तब भी बता सकता हूं मैं? अच्छा तब भी बता देगा? ठीक है, हम इस मिरर में 50 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अच्छा तब भी इमेज का डिस्टेंस बता देगा. मीन तुम्हारे पास अभी एक मैं फॉर्मूला देने वाला हूं, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके तुम बिना रे डायग्राम बनाए बता सकते हो ऑब्जेक्ट अगर तुम इतना दूरी में रखोगे ना सर तो इमेज पक्का यहां पे रहेगा. लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन को अपन बोलता है मिरर फॉर्मूला. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? यू नो ये फॉर्मूला बहुत सस्ता है. कितना सस्ता? दिस इज दिस मच सस्ता. 1/v + 1/u = 1/u. व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस. कहाँ से डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर होता है? पोल से मेजर होता है. पोल से. u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और f क्या होगा पता है? f फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. ठीक है, तो ये है मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला के साथ ना उसका एक भाई हमेशा चलता है. ये मेन मिरर फॉर्मूला है और मिरर फॉर्मूला के साथ उसका भाई हमेशा साथ में रहता है जो कहलाता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. ये छोटा सा वर्जन. ये फॉर्मूला उतना बड़ा नहीं है जितना मिरर फॉर्मूला है, लेकिन हमेशा मिरर फॉर्मूला के साथ ये तुमको दिखाई देगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u. ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला हमेशा साथ में ही चलते हैं. हम क्या करें? तो साइन कन्वेंशन का तो और एक पॉइंट भी था ना. क्या था सर? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ वो मैं लिखाया था. वो साइन कन्वेंशन में थोड़ी आता है. ध्यान दो, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इसको यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं एंड मोर इन दिस एग्जांपल ऑन नेक्स्ट क्लास. एग्जांपल देता हूं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज. अभी अभी बताया ना मिरर फॉर्मूला का यूज मैं किस लिए कर सकता हूं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे यू दो मैं तुम्हें वी दूंगा, वी दूंगा, वी दूंगा. ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व.
तुमको बोला है कंकेव मिरर, तो तुमको मालूम चल गया कि कंकेव मिरर तो सर ऐसा होता है। अब यार एक बात बताओ, कंकेव मिरर का फोकल लेंथ इधर 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 है ना, राइट में या लेफ्ट सर? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। इसलिए जब तुम इसका आंसर करोगे तुम एफ का वैल्यू को ना 20 नहीं लोगे, तुम एफ का माइनस 20 माइनस 20। साइन कन्वेंशन में बोल दिया ना लेफ्ट साइड इज नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, फोकल लेंथ तुम इसीलिए माइनस लोगे। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ पे रखे हो, 30 सेंटीमीटर में रखे हो, तो ऑब्जेक्ट भी किधर रखा हुआ है, लेफ्ट में? यस सर, माइनस 30। तुमको अभी वी निकालना है, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। पुट द वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन। ये अगर तुम लोग नहीं करोगे तो तुम लोग मरोगे। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों को लगा था कि सर हमसे तो हो जाएगा सिर्फ देख लेने से, एग्जाम में हमको मालूम चला था कि सिर्फ देखने से ये सब कभी नहीं होता, ये प्रैक्टिस से ही होता है हमेशा। वी का वैल्यू आएगा माइनस 60 सेंटीमीटर व्हेन यू सॉल्व इट, मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वी का वैल्यू जो है वो माइनस 60 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो तुमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 30 सेंटीमीटर, अपन ने इमेज डिस्टेंस निकाला 60 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं टेक्निक, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि इमेज सेम साइड बनेगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जिधर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जो है लेफ्ट में था माइनस, राइट में था प्लस, अगर माइनस है इसका मतलब इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा, अगर कभी तुम्हारा वी का वैल्यू प्लस आएगा मतलब इमेज किधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा। तो तुमको भी तो मालूम है ना, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंट्रल कर्वेचर के बीच में रहता है तो इमेज कहाँ जाता है, तुमने रे डायग्राम के टाइम में सीखा था इसको, ऑब्जेक्ट सेंट्रल कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज किधर जाता है, आइडिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा बनता है, इमेज जो है अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, देन दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता तो मान लो तुमसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज? यस यू कैन। How can you? तुमको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाना होगा। What is मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? HI by HO। HO का वैल्यू कितना है? जो भी हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस है उसको क्या बोलोगे तुम? प्लस बोलोगे? Yes sir। So plus 2 is equal to minus of V by U। V का वैल्यू minus 60। U का वैल्यू minus 30। HI कितना है? हाइट ऑफ इमेजेस माइनस फोर सेंटीमीटर। इसका मतलब सर 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यहाँ पे बनेगा। प्लस का मतलब होता है कि सीधा बनता, हाइट माइनस में आया इसका मतलब उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा जिसका लेंथ कितना रहेगा, 4 माइनस फोर, माइनस का मतलब उल्टा 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो बिना साइन कन्वेंशन का अगर इसे सॉल्व करते ना ये गलत हो जाता। मैंने इसको सही इसलिए किया क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया, विदाउट साइन कन्वेंशन यू कैन नॉट सॉल्व इट। अंडरस्टूड दिस? यस। सो देखो अगले क्लास तो हम लोग और भी मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, 3-4, देन वी विल गो टू रिफ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ रिवीजन सर, ठीक है ना। सो आई एम रिवाइजिंग यू द थिंग्स। व्हाट इज योर टास्क? यू गो थ्रू द पीडीएफ, देयर आर असाइनमेंट्स इन बिटवीन, वो पीडीएफ में देखना, वो पीडीएफ में तुम्हारा असाइनमेंट्स है। लास्ट टाइम तुमने बनाया नहीं बनाया तेरे ऊपर है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बनाया नहीं बनाया। अगर तुम मेरे एग्जाम में जो लाइट का एग्जाम करूंगा मैं, अगर तुम मेरे एग्जाम में जो है एक मिनिमम कट ऑफ मार्क पार नहीं करते हो, मैं तुम्हें मेरे क्लास में बिठाऊंगा, ठीक है ना। आई एम रिवाइजिंग लाइट चैप्टर एंड आई एम गिविंग यू द वार्निंग, ठीक है। अगले क्लास क्या करेंगे? अगले क्लास हम लोग आगे का ऐसा ही मिरर फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अगर मिरर फॉर्मूला से तेरा कुछ क्वेश्चन है तो उसको डाउट के बेसिस पे तैयार रखो, उसको अगले क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। संडे होगा अगला क्लास, तो अगले क्लास संडे को डिस्कशन होगा तुम्हारे डाउट का, इन केस यू विल बी हैविंग एनी डाउट, ठीक है। अदरवाइज आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस एंड आई विल मूव टू द रिफ्रैक्शन पार्ट। तो पहला पीडीएफ हमारा खत्म हो चुका है जो रिफ्लेक्शन वाला पीडीएफ है, आई एम येट टू डू सम न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज द चैप्टर इज ओवर, ठीक है। पहला पीडीएफ जो ग्रुप में भेजा हूं रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का पीडीएफ जो है, अगर तुम्हारा संडे को सब काम खत्म हो जाता है तो मंडे से हम रिफ्रैक्शन का पीडीएफ शुरू करेंगे, मतलब रिफ्रैक्शन पढ़ना शुरू करेंगे।
बट रिफ्रैक्शन पढ़ना ना पढ़ना दैट डिपेंड, पहले तुम्हारा रिफ्लेक्शन का डाउट खत्म होगा उसके बाद। मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम दे नहीं सकता, लास्ट टाइम तुम्हें समय दिया था मैं, ठीक है ना, अभी दो दिन का ही समय दे पाऊंगा, इट इज रिविजन ऑनली, बेसिकली यू फोकस ऑन न्यूमेरिकल पार्ट क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डाउट ज्यादा आते हैं। यू मस्ट रीड द चैप्टर अभी से लेके कल सैटरडे पूरा और संडे पूरा सुबह शाम को क्लास है, तो यू रीड द चैप्टर, यू ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, वट एवर वुड बी द डाउट मार्क इट, सर्कल इट, ठीक है ना, उस समय मत ढूंढना जब मैं पूछूंगा, यू सर्कल इट, यू मार्क इट, यू राइट इट समवेयर, एंड व्हेन आई विल बी आस्किंग एनी डाउट यू जस्ट पॉइंट मी आउट द डाउट, वट एवर योर डाउट विल बी देयर, आई विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस इन द क्लास, एंड बाय संडे, इफ नॉट संडे देन बाय मंडे आई विल मार्क इट ओवर, ठीक है ना, देन आई विल स्टार्ट द रिफ्रैक्शन पार्ट, चलें, ओके सर, हरे कृष्ण, थैंक यू सर, हरे कृष्ण सर।